జిందాబాద్, మెడికల్ యూనిటీ జిందాబాద్, ఎన్ఆర్ఐ కోట వాపస్ లో, ఎన్ఆర్ఐ కోట వాపస్ లో, ఎన్ఆర్ఐ కోట వాపస్ లో, ఫీజు వర్ది వాపస్ లో, ఫీజు వర్ది వాపస్ లో, ఫీజు వర్ది వాపస్ లో, మెడికల్ యూనిటీ జిందాబాద్, మెడికల్ యూనిటీ జిందాబాద్, మెడికల్ యూనిటీ జిందాబాద్, వాపస్ లో, ఫీజు వర్ది వాపస్ లో, ఫీజు వర్ది వాపస్ లో, ఎన్ఆర్ఐ కోట వాపస్ లో, ఎన్ఆర్ఐ కోట వాపస్ లో, ఎన్ఆర్ఐ కోట వాపస్ లో, ఫీజు వర్ది వాపస్ లో. एक महीने से चार मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी चार मांगे हैं, इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, मुख्य मांग है जूनियर्स की जो फीस वर्दी हुई है उसको वापस लिया जाए, एनआरआई कोटे की जो सीट्स हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेजों से हटाया जाए, और लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर सब के बहुत बेकार हैं, उनको सुधारा जाए। कितनी फीस बढ़ोतरी हो रही है आपकी? हमारी पहले जो लगभग 2,500 रुपये थी वो बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है, और हर साल उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रुक रहेगा? अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग कॉलेज में लगातार प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करेंगे और कक्षाओं का कार्य बहिष्कार करेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने रेजिडेंट डॉक्टर से बात करी है, वो भी इसके समर्थन में। आज आपने कहाँ प्रदर्शन करा? आज हम लोगों ने कॉलेज के मेन गेट पर प्रदर्शन किया है, और मुख्यमंत्री सर को सभी लोग, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है सब लोग साइन करके मुख्यमंत्री सर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे प्रिंसिपल सर को। डॉक्टर नितेश वासकर।